उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने की आहट के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामनगरी अयोध्या में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन तथा टैबलेट प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित कर बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण महामारी में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारी सरकार ने इसके लिए योजना तैयार की है। हमारा मानना है बहुत सारे गरीब बच्चों के माँ बाप टैबलेट और स्मार्टफोन का खर्चा उठाने के संकट में हैं। वहीं विपक्षियों पर जमकर हमला भी बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। पिछले एक सप्ताह के अंदर मुझे प्रदेश के अंदर अनेक जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अलीगढ़ गया, सहारनपुर गया। 25 दिसंबर को लखनऊ में जो योजना हमने प्रारंभ की थी सर्वे अटल जी की पावन जयंती के अवसर पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीक का हमारे जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, इसको ध्यान में रखकर और कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमारा युवा तकनीकी रूप से दक्ष होकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ समाज और राष्ट्र को दे सके, इस दिशा में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि 1 करोड़ युवाओं को हम प्रदेश के अंदर टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने का कार्य करेंगे और 25 दिसंबर को 60,000 युवाओं को हम लोगों ने लखनऊ में स्मार्टफोन और टैबलेट देने का कार्य किया था। इसके उपरांत मुझे अलीगढ़, सहारनपुर और गोरखपुर, कल मैं वाराणसी में था और वाराणसी के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अयोध्या के युवाओं को भी इसके साथ जोड़ने के लिए विशेष रूप से जाना चाहिए। आज मैं इसमें केवल उन 2,000 युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए यहां पर आया हूं। यद्यपि ये संख्या काफी बड़े पैमाने पर यहां के युवाओं को प्राप्त होनी है, क्योंकि हर स्नातक युवा को, प्रास्नातक युवा को, डिप्लोमा डिग्री लेने वाले, चाहे वह मेडिकल के हों, इंजीनियरिंग के हों, नर्सिंग के हों, पैरामेडिकल के हों, फार्मेसी हो, सामान्य मानविकी, कॉमर्स, साइंस, पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई से जुड़े हुए उन सभी युवाओं को हम यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन इस सुविधा केवल स्मार्टफोन और टैबलेट तक ही सीमित नहीं है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभिभावक स्मार्टफोन या टैबलेट उन्हें उपलब्ध कराने में तो उनके सामने चुनौती होगी ही, लेकिन बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी होंगे जो इस बार ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन की दृष्टि इन बच्चों को जो कंटेंट उसके साथ उपलब्ध हो रहा है उसका खर्चा वहन करने, या जो भी आप इसके माध्यम से टैबलेट का जो मासिक खर्च आता है इसको वहन करने में भी उनको दिक्कत होगी। इस दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले इन सभी 1 करोड़ युवाओं को एक समय सीमा के अंदर हम ये सुविधा तो उपलब्ध कराएंगे ही, इनको हम लोग अच्छे कंटेंट के लिए इंफोसिस जैसी संस्था के साथ हमने इसके साथ एमओयू की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अच्छा वैश्विक स्तर का कंटेंट उपलब्ध हो हर एक स्तर के क्लास के बच्चों को, लेकिन साथ साथ डिजिटल एक्सेस भी हम लोग उन बच्चों को फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे मां बाप पर अतिरिक्त खर्चा ना आ पाए और युवा बेखौफ होकर के इस डिजिटल क्रांति का लाभ ले सके। याद करिए जब कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के दौरान आपने इस बात को देखा होगा कि प्रदेश के लगभग 15,000 युवा, ये लोग उनके अभिभावकों ने उन्हें कोटा में कोचिंग के लिए भेजा था, कोई नीट की यानी मेडिकल की
एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी, प्रवेश परीक्षा के लिए वे तैयारी कर रहे थे, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, कोई एनडीए की, कोई सीडीएस की, कोई यूपीएससी की, कोई उत्तर प्रदेश पीएससी की, कोई अन्य अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए वे वहां तैयारी कर रहे थे। लॉकडाउन लगा और कोटा के अंदर तेजी के साथ कोरोना फैलने लग गया और अभिभावकों में चिंता हुई क्योंकि आवागमन बंद था। मेरे सामने, मेरे पास बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने फोन किया, मैंने राजस्थान सरकार से फोन करके बातचीत की। मैंने कहा ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं, उन बच्चों को हम सुरक्षित लाना चाहते हैं, आप उसमें कुछ मदद कर दीजिए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तब मैंने उस समय 500 बसें उत्तर प्रदेश सरकार की यहां से भेजी, उनके साथ फोर्स भेजी और 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई उस समय हमने की। ये वही अयोध्या है जहां पर राम का नाम लेने पर लोग यहां के युवाओं के खिलाफ, यहां के संतों के खिलाफ, यहां के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, FIR लॉन्च करते थे। और आज मैं देखता हूं हर जवान पर जय श्री राम है, आज हर नौजवान कहता है। और भाइयों बहनों, अब तो यहां अयोध्या वासियों की नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया राम राम तो कहती ही है, लेकिन विपक्ष को भी अब अयोध्या में जय श्री राम कह दिया है। अब तो विपक्षी नेता भी इस बारे में कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या दर्शन करेंगे, अब तो उनको भी अयोध्या नजर आने लग गई है। भाइयों बहनों, जो कहते थे कि अयोध्या में पर भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या के विकास पर और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं।